हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी स्पेशल हेल्दी मिठाई रेसिपी, जिसे बनाने में ना ही हमें चाशनी की ज़रूरत है, ना ही चीनी, ना ही गुड़। तो झटपट से बनाकर तैयार करेंगे इस फेस्टिवल। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। मार्केट से भी अच्छी हम मिठाई घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये खजूर लिया है, हमने इसके सीड्स निकाल दिए हैं, तो आप इसके सीड्स निकाल कर ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हमने एक मिक्सी का जार लिया है, इसे हम डाल देंगे इसमें। हमें इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है, हमें ना ही पानी डालना है ना ही दूध, इसे ड्राई ही हमें पेस्ट बनाना है। तो इसे चलिए हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। खजूर को हमने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर हमने ले लिया है एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच घी। शुद्ध घी डालने से बहुत ही टेस्टी बनती है, तो 2 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है यहाँ पर घी। घी को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देते हैं। घी हमारा हल्का सा मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब जो हमने खजूर को अच्छी तरह से ग्राइंड करके रखा हुआ है ना, उसको हम इसमें डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि इसका जो भी कच्चापन है वो निकल जाए, जिससे कि हमारी मिठाई काफ़ी दिन तक स्टोर रहे। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वर्जन मिठाई है, तो रक्षाबंधन हो या कोई भी फेस्टिवल, आप इसे बनाकर पहले से तैयार करके रख सकते हैं और आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो जितना भी हमने खजूर पीसा था ना, वो हम सारा ही इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी स्टिकी है, स्पैचुला में बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहा है। तो जब ये भुन जाएगा ना, तो ये अपने आप ही स्टिक नहीं होगा, और इसकी यही पहचान है कि अच्छी तरह से भुन गया है। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से हम इसे भूनते रहेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से ये भून गया है। अब ये बिल्कुल भी स्पैचुला में स्टिक नहीं हो रहा है। इसी तरह से हमें भूनना है, और इसका कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है। हाथों में हल्का सा देख लेंगे लेके, अगर ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा, इस तरह से गोली बन रही है, तो ये परफेक्टली डन है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो फिर आपके जो हाथ हैं वो जल जाएंगे। अभी अच्छी तरह से ठंडा हो गया, तो हमने यहाँ पर ले लिए 5 से 6 चॉप किए हुए काजू, 2 से 3 चॉप किए हमने यहाँ पर पिस्ते ले लिए हैं, और यहाँ पर 4 से 5 चॉप किए हमने बादाम भी लिए हैं, उन्हें भी हम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन हिसाब से डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डाल देंगे 1/8 टीस्पून, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको और भी मार्केट जैसा बनाने के लिए, बहुत ही टेस्टी दिखाने के लिए, हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। तो यहाँ पर मैंने रसबेरी रेड फूड कलर लिया है, यह ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी फ्रूट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है, ना ही हमें इसमें पानी डालना है ना ही दूध, ड्राई ही हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हाथों से बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, एक डो फॉर्म में ये बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब सिंपल सा हमें इसे ले लेना है एक सरफेस पे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉपी सीड्स लिए हैं, जिससे हम इसे कोटिंग करेंगे ऊपर से, जिसे बिल्कुल मार्केट की तरह लगेंगे। आप पॉपी सीड्स इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसका हम एक रोल बनाकर तैयार करेंगे। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है, और इसे बनाने में बहुत ही कम समय भी लगा है। और आप देख सकते हैं, ना ही हमें इसमें चाशनी बनाना पड़ा, ना ही हमें खजूर को पहले से उबाल के रखना पड़ा, या फिर कुछ भी और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो सिंपल सा खजूर लाइए और इस तरह से मिठाइयाँ बनाइए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसका एक रोल बना लिया है। अब इस रोल को आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। हमारा बहुत ही परफेक्ट डो बनकर तैयार हुआ है, इसलिए हमें अभी से डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखेंगे, मिठाई बनाने के बाद भी आप रख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने एक स्टिक बना ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे इक्वल पर पोर्शन में, जैसे कि मिठाइयाँ मार्केट में मिलती बिल्कुल उसी साइज़ की। ये देखिए, इसके अंदर से जो ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं ना, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से मिठाई हमें बना लेना है।
सारी मिठाई हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से बर्फी भी बना सकते हैं, इसकी आप पेड़े भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये स्टिक स्टाइल में बनाए हैं, जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब इस तरह से बनाकर हम इसे पॉपी सीड्स में अच्छी तरह से रोल कर देंगे, जिससे कि ये देखने में और भी सुंदर लगेंगे। तो पॉपी सीड्स को हल्का सा रोस्ट कर ले, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पॉपी सीड्स भी बहुत ही हेल्दी होती है। तो ये इस तरह से देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से रोल कर दिया है। इसे रोल करने में भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा है, सिंपल सा आप इसके ऊपर घुमा दें और अपने आप ही ये अपने मॉइस्चर में चिपक जाएगा। और इस तरह से बना बना कर आप इसे एक प्लेट में रख लें, या फिर आप मिठाई के किसी भी डिब्बे में रख लें, या फिर आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख लें। तो इसी तरह से बाकी के सारे स्टिक हम इस तरह से रोल कर देंगे। तो आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आपने मिठाई घर पे बनाई है, सारे मेहमान ही आपके कहेंगे कि आपने ये मार्केट से लेकर आई है। तो बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाइयाँ घर में बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह की रेसिपीज आपको मेरे चैनल में देखने को मिलती ही रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही ऑल पर भी क्लिक कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन मिलता है ना वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बहुत ही बढ़िया कोटिंग कर ली है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी खजूर स्टिक मिठाई। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली को भी खिलाइएगा। इस रक्षाबंधन आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।